हरे कृष्णा, मैं मनोज कुमार द इमॉर्टल टेल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो दिन है वो बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि आज वृंदावन के छोटे से दुलारे से लाडले से भगवान श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य उत्सव है। बोलिए राधा रमन लाल सरकार की जय, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कि षड गोस्वामी में से एक हैं, इनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संग साथ, इनको इनके बाल्यकाल में जब ये बहुत छोटे से अबोध बालक थे उस समय उनको भगवान का संग मिलता है। उस समय भगवान ने उन पर ऐसी अहेतु की कृपा की, क्योंकि भगवान इनके घर में चातुर्मास के समय में जब वर्षा ऋतु रहती है और कार्तिक मास आने के साथ में जब ये चातुर्मास का जब पीरियड अवधि समाप्त होता है, तब तक ये भगवान के जूठन प्रसादी को उच्चिष्ट को ग्रहण करते हैं। उससे इनकी इतनी कृपा हुई कि इनके अंदर भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम इतना जागृत हुआ कि ये काल क्रम में सब कुछ त्याग करके ये ब्रज वृंदावन को पधार जाते हैं और वृंदावन में आकर के ये रहने लगते हैं। तो एक बार की कथा है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं, वर्तमान में जो नेपाल स्थित है, नेपाल के गंडकी नदी में, जहाँ से सारी की सारी शालिग्राम शिलाएँ मिलती हैं। अभी आपको ज्ञात होगा कि राम मंदिर जो कि अयोध्या में जो कि निर्माणाधीन है, उसके लिए भगवान राम और सीता मैया की जो विग्रहों को जो तराशा जाएगा, जो बनाया जाएगा, उसके लिए बड़ी बड़ी शालिग्राम शिलाएँ नेपाल सरकार ने भारत सरकार को गिफ्ट के रूप में प्रदान की। तो शालिग्राम शिलाएँ जो हमेशा गंडकी नदी में मिलती हैं, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी गंडकी नदी में स्नान करने को गए थे। और जब वो स्नान करके जल को अपने कमंडलू में उठा के जा रहे थे, तो उनके कमंडलू में 12 शालिग्राम शिलाएँ आ गई। उन्होंने दोबारा उसको जल में डाला, दोबारा 12 शालिग्राम शिलाएँ आ गई। ऐसा वो बार बार करते रहे और बार बार वो 12 शालिग्राम शिलाएँ उनके कमंडलू में आ जाती। तो उन्होंने उसको भगवान की कोई योजना समझ करके उसको ग्रहण किया और उसको लेकर के वृंदावन को आ गए। और वृंदावन में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी वो उन विग्रहों और उन शालिग्राम शिलाओं की पूजा करते। देखिए, शालिग्राम शिला देखने में, इस चर्म चक्षु से हमें देखने में गोल गोल पत्थर के जैसे प्रतीत और महसूस होते हों, लेकिन ऐसा सोचना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि ये पत्थर नहीं हैं, ये स्वयं कृष्ण ही हैं जो कि इस शिला रूप में हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी इन शालिग्राम, द्वादश शालिग्राम शिलाओं की खूब भक्ति भाव से सेवा करते हैं। तो कथा एक बार की ऐसी आती है कि एक व्यापारी आते हैं और ब्रज में वो सभी भक्तों को, सभी मंदिरों में जाकर के उनको कुछ वस्त्र और उनको कुछ भगवान की सेवा के लिए आभूषण प्रदान कर देते हैं। तो वो आते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को, कहते हैं कि महाराज, आप भी ये आभूषण और वस्त्र लीजिए और अपने विग्रहों की सेवा में लगाइए। और ये दिन वैशाख महीने का ही दिन था और उसमें नृसिंह चतुर्दशी का ही अवसर था। बोलिए लक्ष्मीपति नृसिंहदेव भगवान की जय। तो नृसिंह चतुर्दशी के अवसर पर उनको ये जब प्राप्त होता है, तो वो सोचते हैं कि अरे, मेरा तो कोई विग्रह है नहीं कि हम उनको खिलाएँ पिलाएँ उठाएँ पहनाएँ, ये तो शालिग्राम शिलाएँ, उनको हम ये वस्त्र और आभूषण कैसे पहनाएंगे। तो वो संध्या के समय जब वो भगवान पे ध्यान कर रहे थे, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप अपने दास प्रहलाद के लिए आप एक खंभे से प्रकट हो सकते हैं, तो क्या मेरे लिए आप इन शिलाओं से प्रकट नहीं हो सकते। उनके प्रार्थनाओं में इतनी तीव्र वेदना थी कि भगवान अगले ही दिन प्रातःकाल जब गोपाल भट्ट गोस्वामी उठते हैं और शालिग्राम शिलाओं की सेवा के लिए जाते हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी जर जाती हैं कि 12 में से एक शालिग्राम शिला जो दामोदर शिला थी, वो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर राधा रमन लाल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए राधा रमन लाल सरकार की जय। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, ऐसे भगवान जो तीन जगहों से बांके हैं, टेढ़े हैं, भगवान अपने पैर से मुड़े हुए हैं, भगवान फिर अपने कमर से मुड़े हुए हैं, फिर भगवान जो हैं अपने गर्दन से मुड़े हुए हैं। और जब भगवान के उस रूप को देखते हैं, तो ये वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था जिस दिन राधा रमन लाल जी का प्राकट्य होता है। पूरे ब्रज में बधाई बजती है, सारे लोग आते हैं राधा रमन लाल जी के दर्शन के लिए। देखिए राधा रमन लाल, अब हम राधा रमन लाल के बारे में कुछ श्रवण करेंगे, कुछ बातें। राधा रमन लाल जो हैं, ये नाम पे अगर इनके नाम के अर्थ को समझें, तो जो राधा में रमण करे, जो राधा रानी में रमण करे, वो राधा रमण है।
और राधा रमन लाल जो हैं ये स्वयंभू हैं, एक हैं वैष्णवानाम यथासंभू यानी कि समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर, और एक होता है स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात वो जो खुद से प्रकट हुआ हो, सेल्फ मैनिफेस्टेड। तो राधा रमन लाल जी को किसी ने बनाया नहीं, किसी मूर्तिकार ने इनको तराशा नहीं। और कुछ साल पहले भारत सरकार की ओर से कुछ वैज्ञानिक आए थे जो ये देखना चाह रहे थे कि क्या इसको किसी ने बनाया है इस मूर्ति को, तो वो सेवादारों की उपस्थिति में, भगवान के सेवकों की उपस्थिति में जाकर के पवित्र होकर के जब वो जाके देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उनको कहीं भी किसी भी जगह पर उनको एक भी तराशने की कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। जैसे कोई मूर्तिकार जब बनाता है तो वो छेनी हथौड़े का प्रयोग करता है, लेकिन उसमें कोई भी कहीं भी चिन्ह नहीं था। और ये घटना कब हुई? ये घटना 1542 ईस्वी में वृंदावन में घटित हुई। तो राधा रमन लाल जो हैं वृंदावन के सबसे छोटे दुलारे से हैं, प्यारे से हैं, बड़े लाडले बड़े नटखट हैं। और इनकी जो हाइट है, नेक्स्ट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जो हाइट है वो द्वादश अंगुल की है। द्वादश अर्थात 12 उंगली की इनकी हाइट है, बड़े छोटे से विग्रह हैं। और राधा रमन लाल जी कहते हैं कि ये 3-in-1 है। ये 3-in-1 क्या है कि अगर आप कभी ब्रज को जाएं और अगर कभी आपको गोविंद जी के दर्शन ना हो पाए, कभी अगर आपको मदन मोहन जी के दर्शन ना हो पाए, कभी आपको गोपीनाथ जी के दर्शन ना हो पाए, तो अगर आप आकर के राधा रमन लाल जी के दर्शन कर लेंगे तो आपको तीनों के दर्शनों का पुण्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि राधा रमन लाल जी का जो श्रीमुख है वो श्री गोविंद जी के जैसा है। राधा रमन लाल जी का जो वक्षस्थल, उनका जो चेस्ट है वो श्री गोपीनाथ जी के जैसा है, और राधा रमन लाल जी का जो चरण है वो श्री मदन मोहन जी के जैसा है। और कहते हैं कि जब औरंगजेब ने आकर के, यवनों ने आकर के जब ब्रज के मंदिरों को तोड़ना चालू किया, तो सारे के सारे भगवान, सारे के सारे विग्रह ब्रज को छोड़ के चले गए, लेकिन राधा रमन लाल जी ने कभी भी ब्रज नहीं छोड़ा, कभी भी ब्रज नहीं छोड़ा। क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि गोविंद जी का दर्शन जो पहले वृंदावन में थे, आज उनका दर्शन भक्त जो हैं जयपुर में करते हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन नाथ द्वारा में किया जाता है, और राधा मदन मोहन जी का दर्शन भक्त जो है करौली में जाकर के आज करते हैं। लेकिन राधा रमन लाल जी को, राधा रमन लाल जी के जो सेवादार थे, जो सेवक थे, उन्होंने उनको निकाल करके वहाँ पे एक कुआं में छुपा दिया, और वो तलवार लेकर के राधा रमन लाल जी की उन्होंने रक्षा की। तो जिस जगह पे राधा रमन लाल जी का प्राकट्य हुआ है, उसी गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि के बगल में एक जगह है ढोल बोल करके, तो आज भी जाकर के आप वहाँ पे इनके प्राकट्य स्थली का दर्शन कर सकते हैं, उस कुएं का भी दर्शन कर सकते हैं जहाँ पे राधा रमन लाल जी को छुपा के रखा गया था। राधा रमन लाल जी के बारे में एक आपको और मैं बात बताता हूँ कि राधा रमन लाल जी की जो रसोई है वो दुनिया की अद्भुत रसोई है, क्योंकि इस रसोई में किसी भी चीज़ को बाहर से प्रयोग में नहीं लाया जाता। जैसे अगर दूध भी आता है तो यहाँ पे कच्चा दूध आता है, अंदर की रसोई में उसको गर्म किया जाता है। इवन इस रसोई में ना तो आलू का प्रयोग होता है, ना तो गोभी का प्रयोग होता है, ना सेंधा नमक का प्रयोग होता है, ना मिर्च का प्रयोग होता है, ना ही गाजर का प्रयोग होता है, और इस प्रकार से किसी भी तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं होता। और इस रसोई में जो अग्नि है उसके लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों का आवाहन करके इस अग्नि को जलाई है, जो किसी भी माचिस और दिया सिलाई के माध्यम से इसको प्रज्वलित नहीं की गई है, और अग्नि आज भी प्रज्वलित है, और उसी अग्नि से राधा रमन लाल जी की रसोई बनती है। आप अगर कभी भी राधा रमन लाल जी के दर्शनों को जाएं तो राधा रमन लाल जी का जो सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है, कुड़िया प्रसाद, यानी कि जिसको अमृत के लिए भी कहते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करें। कहते हैं कि जिन पर राधा रमन लाल जी की विशेष अनुकंपा होती है उनको उनके अधरामृत का ये प्रसाद मिलता है। और गोपाल भट्ट की समाधि, जिन्होंने राधा रमन लाल जी को प्रकट किया, वो जस्ट मंदिर के बगल में ही है। और ग्रीन लाइट रेड लाइट, ये क्या है ग्रीन लाइट रेड लाइट? भक्त जो हैं ब्रज में जब ग्रीन लाइट को देखते हैं राधा रमन लाल जी के मंदिर के बाहर में, इसका ये आशय होता है कि राधा रमन लाल जी अभी दर्शन दे रहे हैं भक्तों को। और जब रेड लाइट होता है इसका मतलब ये है कि राधा रमन लाल जी अभी भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। और राधा रमन लाल जी की ऐसी ढेर सारी लीलाएँ हैं, ये ब्रज के वृंदावन के मोस्ट डार्लिंग डीटी हैं, बहुत ही छोटे से विग्रह हैं भगवान, और ये स्वयं कृष्ण ही हैं। ऐसे राधा रमन लाल जी के प्राकट्य उत्सव को आप सभी भक्तों को ढेर सारी मंगल बधाइयाँ, और हमारी प्रार्थना है कि राधा रमन लाल जी आपके जीवन में ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा।